हाय फ्रेंड्स, मैं रितु नागपाल। देखिए, आज आपके लिए एक्सेल साइज़ का स्वेटर लेकर आई हूँ। काफ़ी फरमाइशें आ रही थी कि एक्सेल साइज़ का स्वेटर बताइएगा कि किस तरीके से इसे हम कितने फंदे डालेंगे, कैसे बनाएंगे। ये देखिए, मैंने स्वेटर बनाया हुआ है। इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ, 8 प्लाई की वूल ली है मैंने और 6 नंबर की सिलाई से इसे मैंने बनाया है। बाकी तो मैं आगे इसके जो है आपको टाइम टू टाइम बता दूंगी कि इसमें कितना फंदे और कैसे किस तरीके से इसमें बनाया है। देखिए, ये जो है इस तरीके से दिख रहा है। आप ये देखेंगे, फुल स्वेटर बनाया है मैंने। बेसिकली जीन्स के ऊपर या किसी भी उसके ऊपर आप इसे पहन सकते हैं। ये डिज़ाइन मेरे चैनल पे ऑलरेडी डला हुआ है। ये देखिए, इसका बैक साइड है। आप देखेंगे बैक साइड पे भी मैंने इसके जो है डिज़ाइन डाला हुआ है। बाकी स्टेप बाय स्टेप मैंने अपने इसमें वीडियो में इसे बताया हुआ है पूरा, आप देख लीजिएगा इसे। और बीच बीच में मैं जो है आपके आपको टिप्स भी देती रहती हूँ कि किस तरीके से कैसे आप इसे और भी चीज़ें जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं वो किस तरीके से करेंगे। तो ये देखिए, इसका लुक मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से दिखता है। इसकी बाजू में भी मैंने डाली हुई है और इसके बैक साइड पे भी डिज़ाइन है पूरा। फुल बैक पे देखिएगा डिज़ाइन है और फुल बाजू पे डिज़ाइन है। चलिए फिर इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरीके से इसे मैं आपको बनाना बताती हूँ। तो चलिए आ जाते हैं अब इसके फ्रंट पार्ट की। देखिए, फ्रंट पार्ट किस तरीके से बनेगा। फ्रंट पार्ट में मैंने जो है यहाँ पे 51 फंदे डाले हैं, 51 + 8 फंदे डाले हैं। पट्टी के मैंने 8 लिए हैं क्योंकि 8 प्लाई की वूल है, मोटी वूल है, इसलिए मैं पट्टी के फंदे कम ले रही हूँ। यहाँ 51 डाले हैं एंड देन 8 फंदे, और ऊपर मैंने जो है इसके फिर बढ़ाए हैं। अब देखिएगा, ये करने के बाद ये डिज़ाइन डाला है, ऑलरेडी मेरे चैनल पे डला हुआ है डिज़ाइन। और इसके बाद जो है मैंने इसे कम से कम यहाँ पर बॉर्डर से लेकर आपके आर्म होल तक जो है मैंने इसे 21 इंच लंबा बनाया है, 21 इंचेस लंबा। यहाँ से बॉर्डर से लेकर इसके आर्म होल तक मैंने 21 इंचेस लंबा बनाया है। अब उसके बाद देखिएगा, हम शोल्डर से आर्म होल से लेकर शोल्डर तक की लंबाई कम से कम 10 से 11 इंच रखते हैं। अब इसके बाद मुझे इसकी गले की कटिंग करनी है, गोल गले की कटिंग करनी है, क्योंकि काफ़ी चौड़ा सा एक बेसिकली ये जीन्स के ऊपर थोड़ा मोटा सा जैकेट टाइप बन रहा है, जैकेट इन द स्वेटर टाइप बन रहा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा चौड़ी पट्टी का ऊपर कॉलर रखना चाहूँगी। कॉलर तो नहीं, बॉर्डर रखना चाहूँगी। नेक जो बनाऊंगी वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो मैं राउंड कटिंग इसकी करनी है गले की मुझे। आप देखिएगा मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना किया है, उसके बाद मैं आपको जो है इसकी कटिंग बताऊंगी। तो देखिए, ये हमने यहाँ से 4 इंच के आसपास तक बना है, आप देखेंगे। अब मैं इसके जो है गले की कटिंग करूँगी। इसको मैं 10 से 11 इंच ऊपर तक ले जाना है मुझे। तो अब मैं इसकी गले की कटिंग करूँगी। पहले आपको गले की कटिंग जो है पेपर पे बता देती हूँ, पेपर पे किस तरीके से आपने गोल गले की कटिंग जो है करनी है। अब आ जाइए इसके नेक के कटिंग के। अब हमारे पास जो इस समय है शोल्डर पे, हमें इसके 22 फंदे रखने हैं। 22 स्टिचेस जो है मैं इसके शोल्डर पे रखूंगी और बाकी मैं इसके नेक की कटिंग के लिए जो है घटाऊंगी। अब मेरे पास इसमें 28 जो है फंदे हैं जिसे मेरे को गले की कटिंग करनी है। 28 स्टिचेस है, नेक की कटिंग करनी है। अब देखिएगा नेक की कटिंग कैसे करूँगी। फर्स्ट मैं 12 करूँगी एक लाइन में। इसके पट्टी के फंदे जो है वो मैं नहीं बंद करूँगी, इसे मैं एज इट इज़ किसी में उतार के रख दूंगी। 8 जो पट्टी है के फंदे हैं उसे मैं उतार के रखूँगी। उसके बाद 12 फंदे बंद करूँगी एंड देन 6 करूँगी, 6, फिर 4, फिर 2, सॉरी 4 के बाद 3, फिर 2 और फिर 1। इस तरीके से मैं इसकी जो है कटिंग करूँगी, यानी कि 12, 6, 4, 3, 2, 1। अब अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी और कटिंग करनी है या आपके पास फंदे थोड़े से ज़्यादा है, तो आप इसके बाद एक एक करके वो फंदे
कर सकते हैं काम। तो इस तरीके से जो है मैं इसकी गले की कटिंग करूँगी। कटिंग नॉर्मल है, जो मैं अपने चैनल पर हमेशा बता चुकी हूँ किस तरीके से करते हैं। तो चलिए फिर भी आपको मैं दिखा देती हूँ। अब देखिए, ये जो है मेरा राइट साइड है, फ्रंट पार्ट का राइट साइड है। अब इसकी कटिंग किस तरीके से करूँगी देखिएगा। ये लाइन बॉर्डर की कटने के बाद सीधी लाइन, जैसे भी आपने डिज़ाइन डाला है वो करना है। अब आ जाइए आप इसके यहाँ पे। अब ये उल्टी लाइन करने के बाद मैं बॉर्डर के फंदे नहीं बुनूंगी और यहाँ से इसकी कटिंग शुरू करूँगी। अब देखिएगा किस तरीके से, पहले मैं ये लाइन पूरी कर लेती हूँ। अब ये देखिए, ये मैं फंदे नहीं बनाऊंगी, इन्हें मैं यहीं रहने दूंगी और पलट के अब मैं यहाँ से 12 फंदे बंद करूंगी। अब देखिए, फंदे बंद करने का भी थोड़ा सा अलग अलग तरीका है। आप चाहे तो एक एक फंदा उतार के बुन के कर सकती है, या आप चाहे तो आप इस तरीके से भी कर सकती है। आप देखिएगा, ये 2 फंदे लिए मैंने, ऐसे किए, एक, फिर वापस लिया इसे, फिर लिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये गले की कटिंग, आप देख रहे होंगे, इस तरीके से की है। आप बाकी फंदे जैसे सेम बनेंगे वैसे बनाऊंगी, फिर उल्टे में आऊंगी और फिर उसके बाद मैं इसे 6 करूंगी, फिर उसके बाद इसी तरीके से सीधा बनाऊंगी, उल्टा आऊंगी, फिर 4 करूंगी। ऐसे करते हुए मैं इसकी कटिंग इस तरीके से गले की, गोल गले की करूँगी, जैसे मैंने अभी आपको पेपर में इससे पहले बताया है, बाकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो जाएगा। उसके बाद जो है, आपने ऊपर शोल्डर तक जो डिज़ाइन आपने डाला होगा वो बनाते हुए ऊपर तक जो है आपने जाना है। दोनों साइड की कटिंग इसी तरीके से होती है, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एक साइड में हम उल्टे साइड पे कटिंग करते हैं, एक साइड में हम सीधी साइड पे कटिंग करते हैं, बस ये फ़र्क होता है। बाकी सेम एज इट इज़ जो है आपका कटिंग होएगा और दोनों की कटिंग होगी। उसके बाद हम शोल्डर तक इसे बनाएंगे। अब आर्म होल से लेकर शोल्डर तक कम से कम 10 से 11 इंच इतना मैं रखती हूँ, तो आपकी मर्जी है, आप 10 इंच रखिएगा, आप 11 इंच रखिएगा। अब ये 4 इंच पे मैंने स्टार्ट किया है, तो अब देखेंगे, शायद मेरे हिसाब से 11 इंच तक मैं इसे जो है लंबा बनाऊंगी। तो दोनों साइड एक एज इट इज सेम जो है बनेंगे। अब देखिए, ये कटिंग इसमें मैंने जो है लेफ्ट साइड की कटिंग की है, यहाँ से ये उल्टे साइड पे हुई है। लेफ्ट साइड की कटिंग हमारी जब हम सीधा कर लेते हैं, उल्टे साइड पे आते हैं तो करते हैं। ये देखिएगा, स्मूथ एजिंग आई है, एज इट इज़ की है, जैसे उस राइट साइड की थी उसी तरीके से इसमें भी की है। 12 और उसके बाद 6, उसके बाद 4 3 2 1 1, इस तरीके से की है। अब ये देखेंगे आप, यहाँ से लेकर आर्म होल से लेकर कम से कम ये यहाँ तक 11 इंच बना है। अब देखिए, इस तरीके से इसकी कटिंग आई है। क्योंकि मुझे इसकी थोड़ी सी चौड़ी पट्टी गले की बनानी है, तो मैंने इसकी कटिंग थोड़ी सी खुली की है ताकि इसका जो शेप है बहुत अच्छा आए। तो यहाँ पे शोल्डर पे मैंने 22 फंदे रखे हुए हैं। अब बैक साइड का भी इसी तरीके से पूरा करूँगी और ऊपर ऊपर हल्का सा कटिंग करूँगी बैक साइड पे, 4 लाइंस या 6 लाइंस, पहले एक लाइन में कटिंग कर दूँगी 56 फंदे और शोल्डर पे 22 रखूँगी और दोनों को फिर मैं आपस में जो है सबको, इन दोनों फ्रंट को और बैक को जोड़ दूँगी। बाकी सेम एज इट इज़ बनेगा। अब यहाँ पर जो है बैक का मैं आपको बता देती हूँ, बैक साइड का। अब आ जाइए बैक साइड पे। बैक साइड पे देखिएगा आप, 102 फंदे डाले हुए हैं, 2 इंच का बॉर्डर बनाया है और एज इट इज़ जो डिज़ाइन मैंने अपने उसमें डाला है, इसी में डाला है। इसके बाद बॉर्डर से लेकर आर्म होल तक मैंने जो है इसको 21 इंच लंबा बनाया है।
बॉर्डर से लेकर आर्म होल तक, और आर्म होल की जो कटिंग की है मैंने 4-3-1 करके, 8 फंदे एक साइड और 8 फंदे एक साइड, इस तरीके से मैंने दोनों साइड से इसकी कटिंग की है। और अब मैंने इसे जो है शोल्डर तक आने के लिए उतना बना दिया, 1 इंच पहले रखा हुआ है मैंने, 1 से 1.25 इंच पहले है, 1 से 1.25 इंच के आसपास मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि ऊपर मुझे इसके नेक की कटिंग करनी है बैक साइड की, और शोल्डर्स पे मेरे को 22-22 फंदे रखने हैं। अब मैं क्या करूँगी, एक ही लाइन में इसके गले की कटिंग करूँगी, 22 फंदे यहाँ रखूँगी, फिर 56 फंदे मैं बंद करूँगी और 22 फंदे यहाँ रखूँगी। उसके बाद शोल्डर की पूरी लंबाई आने तक मैं, मेरे हिसाब से 4 या 6 सिलाइयाँ होती है 1 इंच में, इससे ज़्यादा नहीं होती है, वहाँ तक मैं इसे बनाऊँगी दोनों साइड, और उसके बाद इसको फ्रंट साइड से जो है जोड़ दूँगी। अब कटिंग जनरली वैसे ही करते हैं जैसे हम मैंने अपने चैनल पे दिखाया हुआ है आप लोग को। 22 फंदे बनाने के बाद 56 फंदे एक एक करके बंद करूँगी और 22 फंदे फिर बनाऊँगी, फिर 4 सलाइयाँ या 6 सलाइयाँ इतनी ही इसकी भी और इस साइड भी दोनों की बनाऊँगी। चलिए अब देखिए, अब मैं 22 फंदे पहले बनाऊँगी, जैसे बनाती आई हूँ वैसे ही एज इट इज़ बनाऊँगी, जो भी आपने डिज़ाइन डाला होगा आपने वैसे ही उसे बनाना है। ये देखिए 22 फंदे बन गए, आप एक एक फंदे 56 फंदे जो है मैं बंद करती हुई जाऊंगी। बंद करने का तरीका सबका अपना अपना अलग है, इस तरीके से देखिएगा, एक ऐसे, फिर आपने बनाया, फिर उतारा, तो इसी तरीके से आप 56 फंदे एक एक करके जो है बंद करते हुए जाएंगे ऐसे। आप चाहें तो इसे अलग तरीके से भी बंद कर सकते हैं, आपने ऐसे लिया इन दोनों फंदों को 2 का 1 किया, अगेन वापस लिया, फिर ये 2 फंदों को 2 का 1 किया, फिर वापस इस पे लिया, फिर 2 का 1 किया, इस तरीके से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप फंदे जो है इसके बंद कर सकते हैं। अब 56 फंदे बंद करने के बाद मैं 4 या 6 लाइंस, जितनी भी मुझे लगता है शोल्डर तक पूरी लंबाई आ जाएगी, उतने लाइंस जो है मैं इसके बनाऊंगी और फिर इनको फ्रंट और बैक साइड आपस में जोड़ लूंगी। तो चलिए अब देखिए, इसको मैंने कंधे इस तरीके से शोल्डर्स जो है जोड़ दिए हैं, अब इसका हम गला बनाएंगे, जो ये मैंने आपको दिखाया था इसे हम गला बनाएंगे। अब मैंने थोड़ा सा इसका चौड़ा गला लिया है, तो मैं बड़ी सिलाई लूँगी इसके गले बनाने के लिए, ओपन ही लूँगी क्योंकि ये फ्रंट ओपन है, तो इसमें मेरे को बंद वाली सिलाइयाँ नहीं चाहिए। तो इस तरीके से देखिएगा, ये ऐसे सिलाई लूँगी, अब इससे मैं फंदे उठाऊँगी, तो पहले मैं ऐसे निकाल लेती हूँ, इस तरीके से लेंगे। अब यहाँ से मैं फंदा उठाना शुरू करूँगी, आप ये देख रहे होंगे इस तरीके से, जो 2 दिख रहे हैं आपको, यहाँ लिया, अब ये गैप है, इस गैप को हम जब वापस आएंगे तो इसे फिल करेंगे, ये जो गैप आपको दिख रहा है ये हम बाद में फिल करेंगे, पहले हम इसमें जो है फंदे उठा लेते हैं। अब देखिए फंदे एक एक करके जैसे आपने उठाने वैसे ही जनरल है, इस तरीके से लिया आपने, ये जो आपको चेन्स दिख रही है आपने फंदे उठाने हैं ऐसे, हम ऐसे ही इस तरीके से ये पूरा ऐसे लेंगे, राउंड लेंगे, अगर आपको फंदे ज़्यादा उसमें हो रहा है तो आप बड़ी सिलाइयाँ लेंगे और इनको 2 सिलाइयों में लेंगे, इन्हीं सिलाइयों पे, पहले हम आधा तक 1 सिलाई में लेंगे एंड देन दूसरा आधा दूसरी सिलाई में लेंगे, पूरा हम इस वाले बॉर्डर तक फंदे इसी तरीके से उठाएंगे। अब देखिए मैं करते हुए लास्ट में आ गई हूँ, जहाँ हमारा दूसरा बॉर्डर था, ये देखिएगा इस तरीके से, अब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, नहीं तो गैप हो जाएगा, ये जो इस तरीके से दिख रहा है यहाँ, हम यहाँ पे एक फंदा लेंगे, अदरवाइज़ वो गैप हो जाएगा, ये ले आपने, फिर ये जैसा बॉर्डर है वैसा ही आप इसे बनाओगे, एक सीधा
एक उल्टा एक सीधा, पूरा बॉर्डर ऐसे ही बनाएंगे। तो ये देखिए, ये बड़ी सिलाई में मैंने एक ही सिलाई में आ गया है, मैंने उठा लिया। अब यहाँ पे एक टिप आपको ये देना चाहूँगी कि बाय चांस क्या होता है, हम जब फंदे उठाते हैं कभी कभी जितने फंदे हमें चाहिए होते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप ये नहीं है कि आप पूरा उधेड़ेंगे और उसे फिर करेंगे। आप जब इसकी नेक्स्ट लाइन बनाते हैं फंदे उठाने के बाद, आप बीच बीच में दो का एक कीजिएगा, तो उससे क्या होता है कि आपके फंदे अगर ज़्यादा थोड़े हो गए हैं तो वो कम हो जाते हैं और एक शेप भी थोड़ी सी अच्छी आ जाती है, क्योंकि आपने पहले फंदे उठाए उसके बाद दो का एक किया तो आपकी यहाँ पे शेप जो है अच्छी आएगी। अभी मैंने ये फंदे गिने नहीं हैं, मैं इन्हें गिन लेती हूँ कितने हैं। अगर मुझे भी लगेगा कि ये फंदे थोड़े से ज़्यादा है तो मैं नेक्स्ट लाइन में बीच बीच में दो का एक कर दूँ, वो झंझट से बचने के लिए कि आपको दोबारा इसे पूरा उधेड़ना पड़े और फिर फंदे डालने पड़े, उस चीज़ से बचने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो चलिए पहले मैं इसके फंदे गिन लेती हूँ कितने हैं। अब देखिए इसमें मेरे पास कम से कम 10 से 12 फंदे ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं नेक्स्ट लाइन में उन्हें दो का एक करके कर दूँ। मैं उन्हें नेक्स्ट लाइन में जब एक सीधा एक उल्टा करूँगी तो मैं उल्टी तरफ में जो है दो का एक कर दूँगी, वो 12 फंदे मैं बीच बीच में गैप गैप में बंद कर दूँगी। उससे क्या होगा कि मुझे दोबारा उधेड़ के इसे दोबारा फंदे नहीं उठाने पड़ेंगे। तो अब इसका बॉर्डर जैसा हम एक सीधा एक उल्टा हमने ये पट्टी रखी है वैसा ही हम इसका बॉर्डर बनाएंगे, कम से कम 1 से 1.25 इंच के आसपास का बॉर्डर बनेगा और उसके बाद वो बंद करके ये जो कार्डिगन है, जैकेट है बेसिकली, उसके जीन्स के ऊपर के लिए बनाई हुई है वो पूरी हो जाएगी। अब इसका बॉर्डर हम बना लेते हैं एक सीधा एक उल्टे का। ये इस तरीके से एक सीधा धागा आगे किया, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। अब ये तो थी पहले पट्टी के फंदे। अब देखिएगा मैं जब उल्टी लाइन पे आऊंगी तो दो फंदों को दो का एक करूंगी, जितने मैंने फंदे बंद करने हैं वो गैप गैप में मैं इस तरीके से बंद करूंगी। आपने किया, फिर आपने ये फंदा सीधा बनाया, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, और फिर उस उल्टे पे दो का इस तरीके से आप एक करेंगे तो आपके फंदे जो है कम हो जाएंगे। ऐसे आपने इसे करना है। उसके बाद हम एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे, कम से कम 10 से 12 लाइंस का बॉर्डर होगा, और फिर हम इसे एक एक करके बंद कर देंगे तो आपका एक कार्डिगन जो है, जैकेट जो है तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए इसका बाजू बताने जा रही हूँ आपको। बाजू में जो नीचे है मैंने 48 फंदे डाले हैं, आप ये देखेंगे बाजू में 48 फंदे डाल के एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है, एटलीस्ट 2 इंच का जो है ये बॉर्डर है। और उसके बाद जो है ऊपर मैंने इसमें 4 फंदे बढ़ाए हैं, 2 यहाँ और 2 यहाँ, और उसके बाद इसे मैंने बनाया है। देखिएगा डिज़ाइन वही डाला है, ये डिज़ाइन ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। और उसके बाद साइड्स में मैंने 4 4 लाइंस के बाद जो है इसमें बढ़ाया है, जैसे हम बाजू बनाते हैं वैसे ही बनाया है। अब यहाँ से लेकर ऊपर तक जहाँ तक हमें कटिंग करनी है वहाँ तक जो है इसकी लंबाई 23 इंच 23 इंच आई है। अब इसकी जो है मैं कटिंग करने जा रही हूँ। बाजू है, इसकी कटिंग किस तरीके से करेंगे तो देखिएगा किस, पहले मैं आपको पेपर पे बता देती हूँ फिर कटिंग तो नॉर्मल मैंने अपने चैनल पे बताया है किस तरीके से की जाती है। अब मेरे पास जो है इस समय 88 जो है फंदे हैं, इस समय मेरे पास 88, अब देख लीजिए इस समय 88 स्टिचेस हैं मेरे पास। अब 88 स्टिचेस को जो है मैं कटिंग किस तरीके से करूँगी वो मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप करेंगे 4, तीन, तीन, दो, दो। पहले तो हम इस तरीके से करेंगे, पहले 4 करेंगे, दोनों साइड से कटिंग होगी बाजू की,
पहले चार, फिर तीन, फिर तीन, फिर दो, फिर एक। अब हमें एक एक फंदा करना है कम से कम 9 बार, यानी कि 9 फंदे जो है हमें बंद करने हैं, एक एक फंदा 9 बार। एंड देन इसके बाद हमें करना है तीन तीन, चार चार। अब हमारे पास ऊपर जो है शायद 12 या 14 फंदे बचे हैं, वो हम एक साथ जो है एक लाइन में बंद करेंगे। तो इस तरीके से हमें जो है इसकी आर्म होल की, बेसिकली आर्म होल की, बाजू की कटिंग जो है करनी है। पहले चार करेंगे, फिर तीन, फिर तीन, फिर दो, फिर दो, फिर एक एक फंदा हम 9 बार करेंगे। एंड देन तीन तीन, चार चार, एंड 14। तो चलिए देख दिखाती हूँ कि किस तरीके से करेंगे कटिंग हम। अब देखिएगा, ये 88 फंदे हैं मेरे पास इस समय। अब इसे हम किस तरीके से बंद करेंगे। तरीका सेम है, ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर बता चुकी हूँ। एक फंदा लिया आपने इस तरीके से, ऐसे उतारा, एक फिर लिया आपने, दो फिर बनाया, तीन फिर लिया आपने, चार। तो पहला चार हमने इस तरीके से किया। अब ये सारा जैसे डिज़ाइन बना है वैसे बनाऊंगी, एंड देन उल्टी तरफ से यहाँ से भी करूँगी। इस तरीके से हम एक एक करके जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही हम इसकी जो है कटिंग करते हुए जाएंगे, और उसके बाद ऊपर तक पहुँच के इसे हम 14 फंदों में बंद कर देंगे। तो इस तरीके से ही हम नॉर्मल कटिंग बाजू की जैसे है कर लेते हैं। तो आप ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने कटिंग की है, ये देखिएगा एग्जैक्ट कटिंग ऐसे करते हुए गई हूँ। और आप ये देखेंगे इस तरीके से आपका ये जो है बाजू की आर्म होल की जो शेप बैठी है, आप ये देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट शेप बैठी है ऐसे। तो देखिए, ये ऐसे ही करते हुए गई हूँ और इसकी आप देखेंगे शेप इस तरीके से बैठी। अब ये 8 प्लाई की वूल है इसलिए इसमें बता रही हूँ, XXL साइज़ आपका जो है वो बता रही हूँ। ये देखिएगा, आप ये देखिए कितना उससे आया है। इसी तरीके से आपने दोनों बाजू जो है ऐसे ही बना के एग्जैक्टली बंद करने हैं, और उसको फिर हम फ्रंट के पार्ट से, मतलब आगे पीछे के पार्ट से जोड़ देंगे।